तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, प्याज कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची एक कटी हुई, धनिया, टमाटर प्यूरी, आधा किलो चिकन, मसाले, किचन किंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल, तो थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा अपना कटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी देर को ऐसे ही भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, प्याज को गोल्डन होने तक हमें भूनना है। अब हमारा चिकन, हमारा जो प्याज है वो गोल्डन हो चुका है। अब इसमें पहले डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई मिर्च, और फिर चिकन। चिकन पहले डालने का इसलिए डालेंगे ताकि चिकन थोड़ा सा तेल में भुन जाए। इसको अच्छे से मिला लेंगे प्याज अदरक के पेस्ट के साथ, और तेल की वजह से ये थोड़ा सा भुन भी जाएगा, इससे स्वाद अच्छा आएगा चिकन का। अब हमारा चिकन भुन चुका है, इसमें अब हम डालेंगे मसाले।
ये है हमारे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे हम नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इससे चिकन और मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा चिकन थोड़ा हार्ड हो चुका है, अभी सॉफ्ट नहीं है इतना, थोड़ा सा हार्ड हुआ, जिससे से खाने में और भी मजा आएगा। थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे इसको ताकि मसाले जो हमने डाले हैं वो सब अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले हैं वो चिकन के साथ अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी और थोड़ा सा पानी। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। चिकन खुद भी पानी छोड़ता है इसलिए हमने ज्यादा पानी डाला नहीं है। ऊपर से थोड़ा डालेंगे हम किचन किंग मसाला। तो सब मसाले, प्योरी एंड चिकन एक साथ मिल चुके हैं। तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट छोड़ेंगे लो फ्लेम में ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको ढक देंगे। अब 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा चिकन अब पक चुका है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका कलर आया है, इसकी ग्रेवी। इसकी ग्रेवी काफी गाढ़ी है, काफी कंसिस्टेंट है।
हमारी चिकन करी तैयार हो चुकी है। तो हमारा चिकन तैयार हो चुका है, इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा धनिया। आप भी इसे घर में एक बार ट्राई जरूर करें और कमेंट में अपने अपने जो आपको तो लगा ठीक वो बताएं कि कैसी बनी है। कुछ अपडेट देना चाहते हैं तो वो बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।